हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभाष चंद मौर्य, आप सभी को फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में महाराष्ट्र वेटनरी ऑफिसर या इसको लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी बोलते हैं, इसी का एग्ज़ाम का पेपर मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं। इसमें आज मैं जो है 2019 का पेपर सॉल्व कराऊंगा और आने वाले वीडियो में मैं इसके अदर्स जो है ईयर्स के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है सिर्फ 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में जो है 25 क्वेश्चन जीएस और जीके के रहते हैं और बाकी 75 क्वेश्चन वेटनरी साइंस से रिलेटेड रहते हैं। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा रहता है। मतलब आप 75 क्वेश्चन में पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है तो विदाउट टाइम वेस्टिंग जो है लेट स्टार्ट वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वेटनरी साइंस से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल इन काउ सिक्वेंसली एंड सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंस। ठीक है, तो स्ट्रेस साइकिल का सिक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले प्रो स्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर मेट स्ट्रेस, फिर डायस्ट्रेस। ठीक है, ये चार फेज होते हैं, प्रो स्ट्रेस, स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस, डायस्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें कौन सा मैच करेगा? आपका ऑप्शंस डी। ठीक है, आओ फ्रेंड, इसमें एक और जानकारी मैं देता हूँ। अगर काऊ की जगह जो है यहाँ पे बीच पूछ लिया जाए, यानी फीमेल डॉग बीच में अगर पूछ लिया जाएगा तो उसमें जो है मेट स्ट्रेस जो है ए फेज एब्सेंट होता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन केस ऑफ पायोमेट्रा। ओके, इसमें चार सेंटेंस दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। इट इज कैरेक्टराइज बाई द प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द यूटेरस। सही है। इट इज यूजली अकम्पनीड विथ कार्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी, ये भी सही है। द यूटेरस हैज मोर डफी एंड लेस वाइब्रेंट फील, ये भी सही है। इंजेक्शन प्रोजेस्टान इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द पायोमेट्रा, ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए बी सी सही है, यानी ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना इज मोर प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट देन द प्रेशर इट एग्जर्ट इन द पेनिस। मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसमें, आर्टिफिशियल वेजाइना कि किसमें, एनिमल का नाम पूछा जाया गया। ठीक है, बुल, हॉर्स, रैम या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप जान लीजिए जो पेनिस होता है। ठीक है, ये पेनिस दो तरह का होता है, एक होता है फाइब्रस, दूसरा होता है वैस्कुलर। ठीक है, अब फाइब्रस पेनिस में क्या होता है, मोर फाइब्रस मटेरियल पाया जाता है, मोर कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा होता है। वैस्कुलर में क्या होता है, मोर इरेक्टाइल टिश्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फाइब्रस किस में होता है, कैटल, बफेलो, सीप, गोट एंड पिग। ठीक है, और वैस्कुलर किस में होता है, इक्वाइन मतलब कि हॉर्स में और डॉग, कैट, इन सब में जो है वैस्कुलर टाइप का होता है। ओके, तो फ्रेंड इसमें आपको ये ध्यान देने वाले है, जो फाइब्रस पेनिस होता है इसमें टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर किसका, आर्टिफिशियल जो वजाइना बनाया जाता है एवी का जो है, टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू प्रेशर। इसमें टेम्परेचर होना चाहिए 45 to 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना टेम्परेचर एवी का होना ही चाहिए। अगर इससे कम हो गया, सपोज करिए अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उसका स्पर्म इजेकुलेट होगा ही नहीं। ठीक है, जबकि वैस्कुलर वाले में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें टेम्परेचर पूछा, टेम्परेचर की इम्पोर्टेंस किसमें, कैटल, बफेलो, शीप, गोट, तो किसमें, आपका बुल और रैम हो जाएगा, मतलब ठीक है ए एंड सी, तो आंसर 4 हो जाएगा। ओके, बुल और रैम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन साइन ऑफ वाइब्रियोसिस इन्फेक्शन। ठीक है, वाइब्रियोसिस इन्फेक्शन, इसमें पायोमेट्रा नहीं होता है,
एबॉर्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अर्ली इम्ब्रियोनिक उसमें डेथ होता है, ठीक है, अर्ली इम्ब्रियोनिक डेथ बिल्कुल सही है। ओकेजनल एबॉर्शन 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टू टर्म, ये भी सही है, यानी इसमें ऑप्शन सेकेंड जो है वो सही हो जाएगा। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस द ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी इन काउ, ठीक है, ट्रांस रेक्टल लीनियर प्रोब इज प्रिफर्ड, बिल्कुल सही है, 7.5 MHz फ्रिक्वेंसी इज प्रिफर्ड, ये भी सही है, सेक्टर प्रोब इज प्रिफर्ड, ये गलत है, 3.5 MHz फ्रिक्वेंसी प्रिफर्ड, ये भी गलत है। तो फ्रेंड होता क्या, लीनियर प्रोब जो है वो लीनियर रहता पूरी तरह से रहता है, ठीक है, सेक्टर प्रोब क्या रहता है, इस तरह का रहता है, ठीक है, तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए लीनियर करते हैं, और लीनियर अगर करना है तो उसका जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो कम जरूरत, मतलब कि ज़्यादा जरूरत होगा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन पावर कम होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, ऑलरेडी पर रेक्टल उसको अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको जो है ज़्यादा पेनिट्रेशन की ज़रूरत है नहीं, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। इसमें ऑप्शंस क्या सही हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शंस थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द हार्मोन फॉर रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट एंड सर्विक्स एट पार्चुरेशन इज, कौन सा हार्मोन होता है, तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, बिल्कुल गलत, प्रोजेस्टेरॉन, ये तो प्रेगनेंसी मेंटेन के लिए होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी नहीं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए डी, रिलैक्सिन एंड ओस्ट्रोजन, ऑप्शंस डी, यहाँ पे डी है लेकिन ऑप्शन सही ए है, ओनली डी, ठीक है, रिलैक्सिंग हार्मोन रिलैक्सेशन के लिए एंड ईस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रायो प्रोटेक्टेंट्स आर यूज इन सीमेन फ्रीजिंग, सीमेन फ्रीजिंग के लिए कौन सा क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज किया जाता है, तो क्रायो प्रोटेक्टेंट मतलब क्या होता है फ्रेंड, क्रायो प्रोटेक्टेंट जो केमिकल रहता है वो प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर विद इन स्पर्म, स्पर्म के अंदर जो है वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं करने देता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो ग्लिसराल और DMSO, यानी ए एंड डी, ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। ओके चलो, मैच द फॉलोइंग पेयर्स, ग्रेनलो, इसमें पेयर्स दिए गए हैं इनको मैच करना है, ग्रेनलोमेटोसिस निमोनिया, सपोर्टिव ब्रोंको निमोनिया, फाइब्रस ब्रोंको निमोनिया, एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है फ्रेंड, जो फाइब्रस ब्रोंको निमोनिया होता है वो सिक्वेस्ट्रा, यानी इसका सी हो जाएगा, ग्रेनलोमेटस निमोनिया, इपिथोराइड, ओके, सपोर्टिव ब्रोंको निमोनिया, सपोरोटिव ब्रोंको निमोनिया, इसका हो जाएगा लोबुलर निमोनिया, ठीक है, बी, और एक्यूट इंटरस्टीशियल निमोनिया कौन सा बचा, फर्टिलाइजेशन, इसका डी, ठीक है, इसको जब मैच करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए लेजन कैरेक्टराइज बाय ग्रेट थिकनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू एक्सटेंसिव वॉल्वेट लाइक नेक्रोसिस ऑफ म्यूकोसल लाइनिंग, नेक्रोसिस ऑफ म्यूकोसल लाइनिंग इन बर्ड, ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोक्सीडियोसिस, ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर आइमेरिया स्पीसीज, आइमेरिया टिनेला, आइमेरिया निकेट्रिक्स, आइमेरिया एसरुलिना, आइमेरिया ब्रोनोटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लिनिकल कोक्सीडियोसिस इन पोल्ट्री, ईच ऑफ विच कॉज लेजन स्पेशली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक, अरेंज द अबव लिस्टेड स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ लेजन कॉज्ड बाय देम इन इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्यूडेनम टू रेक्टम, ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आइमेरिया इंटेस्टाइन के किस पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, सबसे पहले आइमेरिया टिनेला, ये किस में पाया जाता है, सिकल, इसको सिकल कोक्सीडियोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए सीकम में पाया जाता है आइमेरिया टिनेला, और इसके बाद आइमेरिया निकेट्रिक्स, ये कहाँ पे होता है, मिड इंटेस्टाइन, मिड इंटेस्टाइन में रहता है,
ठीक है, आइमेरिया ब्रुनोटी ये कहाँ पे रहता है, रेक्टल, ठीक है, और आइमेरिया एशरुलिना ये कहाँ रहता है, अपर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा, मतलब कि अब इसको ऊपर से नीचे की तरफ सीक्वेंस वाइज लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अपर इंटेस्टाइन, फिर मिड इंटेस्टाइन, फिर सिकम, फिर रेक्टम, यानी CBAD, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इन्फेक्शंस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ट्राइकोप्लाज्मा गोंडाइन बिल्कुल नहीं, ठीक है, सार्कोसिस्टिस फ्यूजीफॉर्मिस ये भी नहीं, ठीक है, ये सब इंजेक्शन से फैलते हैं, जबकि ट्रिपैनोसोमा इक्विपॉडम बिल्कुल सही, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ट्राई ट्राइकोमोनास फिटस ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी बी एंड डी ऑप्शन सेकेंड जो है वो सही हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, मस्टाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई इंक्लूड, स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी, डिस गैलेक्सी एंड यूबोरस, बिल्कुल सही, स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी प्रोड्यूस बीटा हिमोलाइसिस एंड ब्लड एगार ये भी सही है, हॉटिज एंड मिलर टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ए गैलेक्सी ये भी सही, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। यस, स्ट्रेप्टोकोकस डिस गैलेक्सी शोज वाइड जोन ऑफ बीटा हेमोलिसिस इन कैंप टेस्ट, ठीक है, कैंप टेस्ट के लिए डिस गैलेक्सी नहीं ए गैलेक्सी करता है, स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी, ए कैंप टेस्ट शो करता है, ठीक है, डिस गैलेक्सी शो नहीं करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट, अगला सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट स्मियर ऑफ मिल्क सेडिमेंट स्ट्रेप्टोकोकाई अपीयर एज ग्राम निगेटिव कोकाई इन क्लस्टर, बिल्कुल गलत, जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है वो चेन में होता है, क्लस्टर में किस में होता है, स्टेफलोकोकाई वो क्लस्टर में होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई किस में, चेन, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत, यानी ए बी सी आर ट्रू एंड डी एंड ई आर नॉट ट्रू, तो इसका सेकेंड ऑप्शन वो सही हो जाएगा। द वैक्सीनेशन फेल्योर कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग फैक्टर, कौन से फैक्टर से वैक्सीनेशन फेल्योर हो सकता है, इनहेरिटेंट इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैक्सीन सही बात है, प्रॉब्लम विथ रिकंस्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये भी सही है, पॉसिबिलिटी ऑफ एनिमल इनक्यूबेटिंग द डिजीज एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन ये जो है गलत है, ओके, ऑप्शनाइजेशन ऑफ लाइव वायरल वैक्सीन बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज ए ऑप्शन सही है, तो इसमें ए बी एंड डी वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस, लेप्टोस्पायरा ऑर्गेंजम आर डिटेक्टेड इन द ब्लड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन, द यूरिन एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट बाय डिटेक्टिंग लेप्टोस्पायरा इन्फेक्शन आफ्टर फर्स्ट 2 वीक ऑफ इन्फेक्शन, जी हाँ फ्रेंड, लेप्टोस्पायरा का जो ऑर्गेंजम होता है अगर आपको ब्लड में डिटेक्ट कराना है तो फर्स्ट वीक में इन्फेक्शन जो है वो डिटेक्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन में, लेकिन जबकि यूरिन में अगर देखना है तो जो है सेकेंड वीक में होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो इसमें जो है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द जर्नी ऑफ ड्रग फ्राम इट्स एक्स्ट्रा वेस्कुलर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्रॉस वेरियस लाइपोइडियल मेम्ब्रेन बैरियर इज टू बी इलस्ट्रेटेड ए बायोलॉजिकल फ्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर क्या है, जिसमें फ्रेंड इंटरस्टिशियल फ्लूड से स्टार्ट करेंगे और इंट्रा ऑर्गेनली फ्लूड तक जाएंगे, ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कैसे, इंटरस्टिशियल फ्लूड देन प्लाज्मा देन इंटरस्टिशियल फ्लूड देन इंट्रा सेलुलर फ्लूड एंड देन इंटर ऑर्गेनिक फ्लूड, ओके, पहला ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिस्थेटिक इंक्रीजेज इंट्रा क्रेनियल प्रेशर, इंट्रा क्रेनियल प्रेशर कौन इंक्रीज करता है, तो आपको याद रखना है कीटामाइन, कीटामाइन जो है इंट्रा क्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करता है।
क्वेश्चन जो 42 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर डिजायरेबल फॉर इंट्रा मेमरी एंटीबायोटिक फॉर्मुलेशन एंड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मस्टाइटिस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस पढ़ेंगे, लो डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ मिल्क, ये पॉइंट सही है, केमिकली ए वीक बेस, ये भी सही है, बैक्टीरियो स्टैटिक्स, नहीं बैक्टीरियो स्टैटिक, बैक्टीरिया सैडल होना चाहिए। ठीक है, तो हाई डिग्री, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, लो डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ मिल्क, केमिकली ये वीक बेस, ये भी सही है, ये भी सही है, बैक्टीरिया सैडल, हाँ ये बैक्टीरिया सैडल, तो यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्टोपैरासाइट टी साइट्स इंड्यूस सीएनएस डिप्रेशन। ठीक है, सीएनएस डिप्रेशन जो होता है मेनली अमितराज से होता है। ठीक है, अमितराज के अलावा जो है जो साइपर मेथ्रिन होता है इससे भी होता है, इसके दो ऑप्शन सही है। ठीक है, साइपर मेथ्रिन एंड अमितराज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी मैचिंग करना है, सिगार टेल एंड हुप डिफॉर्मिटी, सिगार टेल एंड हुप डिफॉर्मिटीज किससे होता है, क्रोनिक सिलिनोसिस। ठीक है, सिलिनोसिस में भी वो भी क्रोनिक। ठीक है, इसको क्या और नाम क्या देते हैं, बॉबटेल, बॉबटेल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सिलिनियम की अधिकता से पॉइजनिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इसका जो है ए का फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद हीमोलिटिक क्राइसिस इन सीप, हीमोलिटिक क्राइसिस इन सीप मतलब कॉपर पॉइजनिंग, ये हो गया। राइस ब्रान डायरिया विथ म्यूकोसल श्रेड इन फिशेस, राइस ब्रान डायरिया, ठीक है, ये किससे हो जाएगा, आर्सेनिक टॉक्सिसिटी से। और मोटेल टीथ एंड शिफ्टिंग डायगोनल लेपनेस, ये किससे हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शंस क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पनीर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बफेलो मिल्क इज कैरेक्टराइज बाय, इट इज ए वाइट इन कलर, स्वीटिश एंड स्पंजी, करेक्ट, इट इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड फ्रेजाइल, ये गलत है, इट हैज़ नटी फ्लेवर एंड क्लोज नीट टेक्सचर, बिल्कुल करेक्ट, इट इज हाई इन प्रोटीन, ये भी सही। ठीक है, ए सी एंड डी, ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 द स्किम मिल्क पाउडर मस्ट पॉसेस द फॉलोइंग मिनिमम स्टैंडर्ड। ठीक है, नॉट मोर देन 5% मॉइस्चर, करेक्ट, नॉट मोर देन 1.5% फैट, ये भी सही, नॉट लेस देन 34% मिल्क प्रोटीन इन मिल्क सॉलिड नॉट फैट। ओके, इसमें ऑप्शन जो है सभी सही हो जाएंगे, ए बी एंड सी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्कॉल्डिंग मेथड विथ रिक्वायर्ड टेम्परेचर, हार्ड स्कॉल्डिंग, देखो फ्रेंड हार्ड स्कॉल्डिंग में टेम्परेचर ज़्यादा, सॉफ्ट स्कॉल्डिंग में टेम्परेचर कम, तो ए का फोर और बी का और डी का फर्स्ट, देख लो किसमें है, तो इसमें हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑन डेली बेसिस मिस्टर एबीसी फूड लिमिटेड इज इंगेज्ड इन प्रिपरेशन पैकेजिंग एंड रिटेलिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स एज ए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस द कंपनी रूटीनली अंडरटेक फ्यूमिगेशन ऑफ द प्रीमाइसेस यूजिंग अप्रूव्ड केमिकल इन मई 2019 द फूड सेफ्टी ऑफिसर ड्यूरिंग रूटीन इंस्पेक्शन एंड लेबोरेटरी एनालिसिस फाउंड दैट द पनीर सैंपल कंटेंट ट्रेसेस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन द एक्सेस ऑफ परमिटेड लिमिट द स्टेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्ट एंड एक्ट्स या प्रिवेलेंट इन द कंट्री स्टेट अंडर विच लीगल एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, कंपनी पे कौन सा वो लगाया, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये गलत हो जाएगा, द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, द इंसेक्टिसाइड, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ओनली बी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स वेक्टर इज ट्रू रिजर्वर ऑफ स्क्रब टाइफस। ठीक है, ट्रू रिजर्वर स्क्रब टाइफस, तो क्या हो जाएगा,
ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट्स फ्रॉम रैट, ठीक है, ये स्क्रब टाइफस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बुश टाइफस भी बोलते हैं, ठीक है। ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया का नाम बता सकते हैं, ओरिंटिया, ओरिंटिया सुसुगामुसी, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है, इससे क्या होता है, स्क्रब टाइफस। अब फ्रेंड इसमें ऑप्शन ए भी दिया है, जिनोप्सेला चियोप्सिस, इसको क्या बोलते हैं, इसको रैट फ्ली बोलते हैं, इससे क्या होता है, प्लेग, ठीक है। और प्लेग भी जो है एक बैक्टीरिया से होता है, उसका क्या नाम है, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। और एक ग्लोसियाना फ्लाइज, आप इसके बारे में भी जान लीजिए, ये किससे होता है, ये ट्रिपेनोसोम्स को स्प्रेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था रिजर्वर ऑफ स्क्रब टाइफस, तो ऑप्शन ए पहला वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनरली ए स्टैम्पिंग आउट कलिंग पॉलिसी इज यूज इन इंडिया टू इरेडिकेट द फॉलोइंग डिजीज एज पर OIEWHO गाइडलाइन, तो क्या होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ट्राईपार्टाइट और एकॉर्ड वन हेल्थ बाई FAO, WHO एंड OIE फॉर्म्ड इन 2010 हैव चोजन द फॉलोइंग एज ए प्रायोरिटी टॉपिक फॉर देयर ज्वाइंट एक्शन, तो उन्होंने किसका किसका किया था, ऑप्शन फोर जो करेक्ट हो जाएगा, रेबीज, जूनोटिक इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये तीन टॉपिक पे बात किया गया था, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिप्टिव इपिडेमोलॉजी स्टडी प्रोवाइड डाटा रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज, करेक्ट, प्रोवाइड क्लूज टू डिजीज एटियोलॉजी, ये भी करेक्ट है, प्रोवाइड बैकग्राउंड डाटा फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव सर्विस, ये भी करेक्ट है, डिस्क्राइब वेरिएशन इन डिजीज बेस्ड ऑन टाइम प्लेस एंड पर्सन, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसमें सभी करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ द एबव। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ठीक है, तो कौन सा होता है, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कम्युनिकेट करता है। अब इसके अलावा फ्रेंड और भी ऑप्शन हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए, जैसे फोरामेन ओवेलिया, ठीक है, फोरामेन ओवेल, ये क्या होता है, जब फिटस में ये कंडीशन होता है, इसमें जो है राइट आर्किल को राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट करने के लिए एक होल होता है, उसको फोरामेन ओवेल कहते हैं, जो आफ्टर बस जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे अगला क्या है, फोरामेन ऑफ मोनरो, ये क्या होता है, लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, ये भी जान लीजिए, लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, ओके, लेटरल वेंट्रिकल को सेकेंड वेंट्रिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अब फोरामेन ऑफ विंस्लो, विंस्लो क्या होता है, इट इज कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रेटर पेरिटोनियल कैविटी एंड लेसर सैक, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रेटर पेरिटोनियल कैविटी एंड लेसर सैक, ठीक है, फोरामेन विंस्लो। अगला क्वेश्चन है 54, एडल्ट फंक्शन एंड किडनी ऑफ मैमल, मैमल का क्या एडल्ट होता है, एडल्ट फंक्शन किडनी कौन सा होता है, मेटानेफ्रिक, जबकि मीजोनेफ्रिक किस में होता है, मीजोनेफ्रिक फिश हो गया और एम्फीबिया हो गया, इन सब में मीजोनेफ्रिक होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द सार्कोमियर इन द स्केलेटल मसल्स एक्सटेंड बिटवीन, ठीक है, किसमें होता है, टू जेड बैंड, ठीक है। तो फ्रेंड थोड़ा सा मसल्स के बारे में जान लीजिए, टू जेड बैंड कहाँ पे होता है, ए जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये आई बैंड होता है, ठीक है, ये क्या है, आई बैंड, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ए बैंड, ठीक है। ए बैंड के बीच में जो है एक बैंड होता है, ठीक है, इसे इसको क्या बोलते हैं, एम लाइन, जबकि जो है आई बैंड के बीच में जो है एक लाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच को ही जो है सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है फाल सेरेब्राई, एक्चुअली में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ए होना चाहिए फ्लैक्स, FALX, फ्लैक्स सेरेब्राई लाइज बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द लाइनिंग एपिथीलियम ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का एपिथीलियम की लाइनिंग कैसी होती है, सीडो स्ट्रेटिफाइड कलुमनर, सीडो स्ट्रेटिफाइड कलुमनर, ठीक है। अब इसमें और भी जान लीजिए, जैसे ट्रांजिशनल किसमें होता है, ट्रांजिशनल इससे जहाँ पे स्ट्रेचिंग होता है यूरिनरी ब्लैडर एग्जांपल, सिंपल कॉलमनर किसमें होता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, जैसे स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन की लेयर हुए, तो वहाँ पे सिंपल कॉलमनर होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कहाँ पे होता है, ये जो है स्किन में होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड अगर सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्यूबॉइडल होता है, इस तरह से आप याद रखेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाइना डिजीज ऑफ कैटल इन यंग कॉब्स इड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, तो फ्रेंड इसका दो ऑप्शन सही है, क्या होता है विटामिन डी एंड विटामिन ए। ओके, तो विटामिन डी की भी ज़्यादा क्या होता है, विटामिन ए अगर ज़्यादा खिलाएंगे तब भी जो है हाइना डिजीज हो जाता है। तो हाइना डिजीज होता क्या होता है, इट इज डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल डेवलपमेंट मेनली लोकलाइज इन द पेल्विक लिंब ऑफ यंग एनिमल, ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एंटीकोडान इज प्रेजेंट ऑन, किस पे होता है टीआरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए पे एंटीकोडान होता है, और एमआरएनए पे क्या होता है कोडान होता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म फ्री फैटी एसिड रिफर्स टू फैटी एसिड दैट आर इन द सिंपल सा अनस्ट्रेफाइड स्टेज। ओके, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस अकर्स मेनली इन, किसमें होता है मसल्स एंड लीवर, ऑप्शंस बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। द नॉर्मल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड इन द, ठीक है, पेसमेकर मतलब क्या होता है एसए नोड, एसए नोड को पेसमेकर बोलते हैं, और एक होता है पेस सेटर, वो कहाँ पे होता है एवी नोड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एसए नोड कहाँ होता है राइट आर्कल यानी राइट एट्रियम, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए एवी नोड कहाँ पे होता है, तो एवी नोड लोकेटेड इन द कोस्ट ट्राइंगल नियर द कोरोनरी साइनस ऑन द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, वहाँ पे होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है यानी बेस ऑफ राइट एट्रियम वहाँ पे होता है एवी नोड, इसको क्या बोलते हैं पेस सेटर, इसको क्या बोलते हैं पेस मेकर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है टेंडेंसी ऑफ पीपल टू कंसीडर देयर ओन कल्चर ऑफ हाई वैल्यू एंड सुपीरियर टू अदर, इसको क्या बोलते हैं इथनोसेंट्रिज्म, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ म्यूचुअली डिपेंडेंट पीपल लाइव इन मोर आर लेस कॉम्पैक्ट कंटिन्यूअस जियोग्राफिकल एरिया शेयर कॉमन वैल्यूज एंड हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप। ओके, इसको क्या बोलते हैं कम्युनिटी। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज इंडिकेटेड बाय लेटर ऑफ द वर्ड ए आई डी सी एस इन द वर्ड आई स्टैंड फॉर, सबसे पहले फ्रेंड जान लीजिए ए आई डी सी ए एंड एस। ओके, ए किसके लिए होता है अटेंशन, ठीक है, आई किसके लिए होता है इंटरेस्ट, डी किसके लिए होता है डिजायर, सी किसके लिए होता है कन्विक्शन, कन्विक्शन, ए किसके लिए एक्शन, यस क्या है सेटिस्फैक्शन, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है ए आई डी सी एस, ठीक है। तो इसमें जो है आई पूछा है, आई मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फोर मोस्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग कौन सा होता है, तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो मेनली जो है एट स्टेप होते हैं जिसमें चार स्टेप तो इसमें दिया ही है, लेकिन पहला स्टेप क्या होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है एनालिसिस, ए पहला हो गया, ठीक है, ए फर्स्ट स्टेप हो गया।
और सेकेंड स्टेप क्या होता है, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। फोर्थ स्टेप क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा फिफ्थ स्टेप क्या होता है, डेवलपमेंट प्लान ऑफ वर्क। इसके बाद अगला क्या है, फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क। इसके बाद इवेलुएशन, फिर रिकंसिडरेशन। तो ये जो है सिक्स स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, करेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ओके, द रेट ऑफ लर्निंग इन एडल्ट इज लार्जली डिटरमाइंड बाई एज, सेक्स, लिटरेसी, मोटिवेशन। तो इसका हो जाएगा मोटिवेशन, मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरपर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज ट्रू। ठीक है, क्या क्या है सेंटेंस, इंटरपर्सनल चैनल आर मोस्ट इफेक्टिव टू रीच ए लार्ज ऑडियंस। बिल्कुल गलत, क्योंकि उसमें क्या होता है, फेस टू फेस जो है इंटरेक्शन होता है, तो लार्ज ऑडियंस नहीं हो सकता है, एक गलत हो गया। फीडबैक इज रेडली अवेलेबल इन इंटरपर्सनल चैनल, बिल्कुल सही, क्योंकि सामने सामने बात हो रहा है तो फीडबैक तुरंत मिल सकता है। इंटरपर्सनल चैनल आर मोस्ट इफिशियंट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंजेस, बिल्कुल सही। इंटरपर्सनल चेंजेस इन्वॉल्व ए फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर, बिल्कुल सही। इसमें बी एंड सी एंड डी, ये तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन फोर वो सही है। ठीक है, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ सीप विथ देयर ऊल क्वालिटीज। ठीक है, ब्रीड ऑफ सीप को ऊल क्वालिटी से मैच करना है, तो भाखरवाल, भाखरवाल क्या होता है, मिक्सड ऊल रहता है। फिर मागरा, मागरा क्या होता है, कारपेट ऊल। डिक्कनी, डिक्कनी कैसा होता है, हेयर कोट, हेयरी कोट। ओके, गंजम, गंजम का बेरी कोर्स ऊल। ठीक है, इसका ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिस्टेंस आर गैप ऑफ थ्री फिंगर बिटवीन टू प्यूबिक बोन इन लेइंग बर्ड इंडिकेट गुड लेयर। करेक्ट, द डिस्टेंस क्लोज टुगेदर वन आर टू फिंगर बिटवीन प्यूबिक बोन इन नॉन लिविंग बर्ड इंडिकेट पुअर लेयर। दोनों करेक्ट, यानी ए एंड बी दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वेज टू प्रिवेंट पिगलेट एनीमिया इन न्यू बॉर्न। ठीक है, न्यू बॉर्न के बारे में, पिगलेट एनीमिया इन न्यू बॉर्न के बारे में कौन सा सही है। तो इसमें आपको पहला क्या है, गिविंग इंजेक्शन टू द आयरन, आयरन टू न्यू बॉर्न पिगलेट, बिल्कुल गलत, न्यू बॉर्न पिगलेट को आयरन का इंजेक्शन नहीं देते हैं। एडिंग मिनरल मिक्सचर टू देयर राशन, ये सही है। पेंटिंग द अडर ऑफ सॉ विथ थिक सोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड आयरन सल्फेट, ये भी सही है। अलाउिंग द न्यू बॉर्न पिगलेट टू एसेस सॉइल, ये भी सही, यानी ऑप्शन बी सी एंड डी, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिसेंटली डेवलप्ड सोनारे। ठीक है, सोनारे डिवाइस यूज फॉर एस्टिमेशन इन। तो देखो फ्रेंड, इसमें बैक फैट थिकनेस के लिए होता है, एक्सरे नहीं, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं, ही लॉइन एरिया, यानी ए एंड डी फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच कार्बन सिंक्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फियर इज नोन एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, द मेन नेचुरल सिंक्स आर एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाई ओशियन वाया फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, सही। फोटोसिंथेसिस बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट, ए भी सही। लैंडफिल, गलत। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रपोजल, गलत, यानी ए एंड बी वो सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूट्रिएंट ए विथ देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स बी। ठीक है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन क्या होता है, यानी विटामिन बी टू, विटामिन बी टू डेफिशियंसी क्या, कर्ल टोए पैरालिसिस। ठीक है, विटामिन ई, विटामिन ई मतलब इंसेफ्लो मलेशिया। पेंटोथिनिक एसिड डर्मेटाइटिस, अथियामिन पॉलीन्यूराइटिस। ओके, यानी ए का फोर और डी का फर्स्ट। यानी ऑप्शंस फोर थर्ड वो सही हो जाएगा।
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द शेयरिंग ऑफ शिप शुड नॉट बी कैरीड आउट इन आइदर टू हॉट और टू कोल्ड वेदर बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वूल इज पुअर इन टू हॉट और टू कोल्ड वेदर. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. फ्लीस प्रोटेक्ट शिप फ्रॉम टू हॉट और टू कोल्ड वेदर, ये करेक्ट है. वूल यील्ड इज वेरी लेस ड्यूरिंग दिस सीजन, बिल्कुल रॉन्ग है. तो इसमें जो है ओनली बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफरेंस ऑफ मीन फिनोटिपिक वैल्यू बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट एंड द होल ऑफ द पेरेंटल जनरेशन बिफोर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू सेलेक्शन, ठीक है. ये आपको लाइन याद रखना है. अगला क्वेश्चन है द इंडेक्स सेलेक्शन इज इफिशियंट ओवर अदर मेथड ऑफ सेलेक्शन बिकॉज इट टेक्स अकाउंट ऑफ हेरिटेबिलिटी ऑफ ट्रेट, बिल्कुल राइट. रिलेटिव इकोनॉमिक वेट ऑफ ट्रेट, ये भी सही है. जेनेटिक एंड फिनोटिपिक वेरिएंस एंड कोवेरिएंस ऑफ ऑल ट्रेट, ये भी सही है. यानी ऑल ऑफ द अबव. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद देयर स्पीसीज, ठीक है. इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर बताना है, ठीक है. गोट में कितने क्रोमोसोम? गोट और कैटल में 60 क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको याद रखना है फ्रेंड. शीप में 54 होता है, हॉर्स में 64 होता है, पोल्ट्री में 78 होता है, ठीक है. तो इसका ऑप्शंस हो जाएगा ऑप्शंस थर्ड. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजर द कोरिलेशन बिटवीन द रिपीटेड मेजरमेंट, तो क्या हो जाएगा? रिपीटेबिलिटी. द जर्मप्लास्ट थ्योरी किसने दिया था? अगस्त वीजमान ने दिया था. इफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन लिंक जीन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू या रिकम्बेंट ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन इज, तो उसमें 50% से कम होगा. ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेड नेम्स ऑफ विटामिन्स, ठीक है. विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं? थियामिन. विटामिन ई क्या बोलते हैं? टोकोफेराल. विटामिन B6, ठीक है, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूस मिल्क, बिल्कुल करेक्ट. द एनर्जी नीडेड डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मिल्क, ये भी सही है. यानी बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, ठीक है, दोनों करेक्ट है. अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रेंज इन वेट प्रोसेसिंग मेथड. इन वेट प्रोसेसिंग मेथड द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ग्रेन इज डन टू रेज मॉइस्चर लेवल टू 25-30%, इसका आंसर होगा. अगला क्या है? इंक्लूजन ऑफ गुआर मील इन पोल्ट्री डाइट एट हायर लेवल डिप्रेस द ग्रोथ, ठीक है. क्यों? क्योंकि उसमें गैलेक्टो मैनन होता है गुआर मिल में क्या होता है? गैलेक्टो मैनन. ओके, विच आर द फॉलोइंग एनिमल हैव ए कम्प्लेक्स स्टमक 3 चैम्बर, ठीक है. तो 3 चैम्बर किसमें होता है? कैमल में. अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस डिप्रेस प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ठीक है. प्रोटीन यूटिलाइजेशन को कौन से कम करते हैं? एक होता है पॉलीफिनालिक कंपाउंड और प्रोटीएज इनहिबिटर, यानी ऑप्शंस मतलब ए एंड बी, मतलब ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट हो जाएगा. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रांसमिशन आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन स्प्रेडिंग रेबीज डिजीज इन एनिमल, ठीक है. बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग और कैट, इससे फैलता है, ठीक है. बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फॉक्स स्कंक्स वॉल्व्स सायोट वेम्पायर इंसेक्टिवोरस एंड फ्रूट ईटिंग बैट्स, इससे भी फैलता है. इंजेशन ऑफ मिल्क ऑफ रेबीज सफरिंग एनिमल, इससे नहीं फैलता है, ठीक है. इनहेलेशन ऑफ वायरस एमंग इन्फेक्टेड इंसेक्टिवोरस, इससे फैलता है. तो ये जो है इसमें नॉट पूछा है, तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा.
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सक्सेसफुल यूज ऑफ बोवाइन कोलोस्ट्रम इन क्रॉस स्पीसीज. बोवाइन कोलोस्ट्रम कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंटीबॉडी फॉर रेयरिंग गोट्स फ्री ऑफ कैप्राइन आर्थराइटिस एंड इंसेफलाइटिस. बिल्कुल सही. बोवाइन कोलोस्ट्रम कैन बी यूज सेफली फॉर रेयरिंग लैम्ब विदाउट एनी साइड इफेक्ट. ये गलत है. ठीक है. बोवाइन कोलोस्ट्रम कैन प्रोवाइड सेम प्रोटेक्शन टू न्यू बॉर्न फोल अगेंस्ट न्यूनेटल इन्फेक्शन. ये भी सही है. बोवाइन कोलोस्ट्रम कैन बी सक्सेसफुली यूज टू इम्प्रूव द सर्वाइवल रेट ऑफ हिस्टेरेक्टॉमी प्रोड्यूस. ये भी सही है. ठीक है. इसमें ऑप्शन सेकेंड वाला वो गलत है. तो यही आंसर सही हो जाएगा. अगला क्वेश्चन क्या है. लैक्टेशन टिटैनी कॉमनली अकर्स इन काउ टर्न ऑन टू लूज पॉस्चर ड्यू टू मैग्नीशियम डिफिशियंसी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन पोटेशियम हाई नाइट्रोजन लेवल ऑल ऑफ द अबव. इसमें ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. मतलब डिफिशियंसी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी भी होता है ज़्यादा पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. हाई नाइट्रोजन लेवल. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डेप्रिवेशन ऑफ वाटर विदाउट सोडियम लॉस इज ऑब्जर्व. देखिए फ्रेंड इसका तरीका क्या होता है. सपोज करिए ये बॉडी है. ठीक है. अब जो है जो चीज़ बाहर निकल रही है बाहर निकलने के बाद जो अंदर कंसंट्रेशन बचेगा वही जो है वो डिहाइड्रेशन कहलाएगी. जैसे इसमें क्या होता है सोडियम भी होता है वाटर भी होता है. ठीक है. अगर यहाँ से सिर्फ वाटर निकला तो अंदर क्या बचेगा सोडियम आयन ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो यानी हाइपरटॉनिक हो जाएगा. और अगर यहाँ से ये निकल गया सोडियम निकल गया और बचा पानी तो यहाँ अंदर का कंडीशन क्या हो जाएगी हाइपोटॉनिक. ठीक है. और अगर दोनों निकल रहे हैं तो आइसोटॉनिक. तो यहाँ पे क्या निकल रहा है वाटर सिर्फ वाटर निकल रहा है बाहर तो यहाँ पे क्या बच रहा है सोडियम ज़्यादा था यानी हाइपरटॉनिक. अगला क्वेश्चन है कोगिन टेस्ट. कोगिन टेस्ट किसके लिए होता है इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया. एकदम नाम साफ साफ है. अगला क्वेश्चन है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ. माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. तो फ्रेंड हमेशा याद रखिए जो विटामिन B12 हुआ फोलिक एसिड हुआ. ठीक है. इन सब की डिफिशियंसी से माइक्रोसाइटिक एंड नार्मोक्रोमिक समटाइम्स हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया होता है. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए आयरन एंड कॉपर की डिफिशियंसी से तो आपको याद रखना है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक. ठीक है. और अगर कोई क्रोनिक डिजीज हुआ उसकी वजह से तो क्रोनिक डिजीज की वजह से क्या होता है माइक्रोसाइटिक एंड नार्मोक्रोमिक. माइक्रोसाइटिक एंड नार्मोक्रोमिक. ठीक है. इसके अलावा फ्रेंड एक और जान लीजिए. अगर सपोज करिए ए प्लास्टिक एनीमिया ये किस तरह का होता है तो होता है नार्मोसाइटिक एंड नार्मोक्रोमिक. ओके. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डेवलपिंग ऑफ एक्सरे फिल्म. ठीक है. इन डेवलपिंग ऑफ एक्सरे फिल्म हायर टेम्परेचर ऑफ डेवलपिंग सोल्यूशन रिक्वायर्स लेसर डेवलपमेंट टाइम. बिल्कुल सही. ठीक है. जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना कम टाइम लगेगा डेवलपिंग में. तो पहला ऑप्शन सी सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर पैटर्न इज मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लोजर ऑफ हॉलो ऑर्गन. जहाँ पे हॉलो ऑर्गन आए वो बोनेल एंड कुशिंग सिंड्रोम. ठीक है. कुशिंग सूचर. तो आपको ये कुशिंग सूचर याद रखना है. ठीक है. हॉलो ऑर्गन के लिए. अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट इंट्रामेडुलरी पिन फिक्सेशन गिव स्टेबिलिटी अगेंस्ट. किसका मतलब वो मुड़ने ना पाए तो बेंडिंग फोर्स के लिए वो करता है रोटेशनल के लिए नहीं करता. ठीक है. पिनिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग आईवी लोकल रेट्रोग्रेड एनर्जेसिया. तो क्या होता है लिग्नोकेन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन साइड फॉर अकरेंस ऑफ कैल्कुलाई इन यूरिनरी ट्रैक. तो आपको याद रखना है पोस्टीरियर टू द स्क्रॉटम इन डॉग. ये बिल्कुल गए. सबसे पहले डॉग में आप समझ लीजिए डॉग में क्या होता है कॉडल टू ऑस पेनिस. कॉडल टू ऑस पेनिस.
प्री स्क्रॉटल इन बुलक, ये भी गलत है। पोस्ट स्क्रॉटल डिस्टल टू सिग्मॉइड, ये सही है। ठीक है, नेक ऑफ द ब्लैडर इन डॉग, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज फॉर इफेक्टिव रेडियोग्राफी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक किसका होता है? बेरियम सल्फेट का यू हमेशा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। ठीक है, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल कौन सा है? लाइनन नहीं है, टेलरिन टेरिलिन नहीं है, विटाफिल भी नहीं है, ये कोलेजन है। ठीक है, ओनली ऑप्शंस थर्ड वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको जो है थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।